सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में करेंगे एक छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वर्क मैनेजर के ऊपर। तो गाइस, उस एप्लीकेशन का नाम ये होगा कि इमेज ब्लर नाम की एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है ना कि जब मैं किसी बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो क्या होगा, एक इमेज होगी ना जो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। और वो जो इमेज ब्लर हुई है ना, उसको क्या करूँगा, मैं सेव कर दूंगा हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो, ठीक है। तो गाइस, आपको डेमो दिखाता हूँ उस एप्लीकेशन का कैसा दिखेगा। तो गाइस, जब मैं इस पर क्लिक यहाँ पर करता हूँ, तो गाइस ये मैं वर्क मैनेजर की खोलता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो गाइस हमारी एप्लीकेशन कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। तो गाइस करूँगा क्या, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्लर इमेज पर, ठीक है ना। तो गाइस देखो, मैंने जब इस पर क्लिक किया ना यहाँ पर, तो गाइस इमेज क्या होगी, ब्लर हो चुकी, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं कि जो हमारी जो इमेज है ना, कहाँ जाके सेव हुई है, ठीक है। तो गाइस इस पर पहले करता हूँ, और जो हमारी एप्लीकेशन का जो कोड था ना, पहले खोलता हूँ, ठीक है ना, ये था, ठीक है। तो गाइस मैं इस पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है गाइस, कि आपको जाना है कहाँ पर, व्यू में जाना है, ठीक है। व्यू में जाने के जाना जाना पड़ेगा आपको टूल्स विंडो पर, ठीक है। टूल्स विंडो पर जाने को क्या करना है, आपको जाना है डिवाइस एक्सप्लोरर पर, ठीक है। आपको करना है इस पर जब क्लिक करोगे ना, तो गाइस क्या करना है आपको, आपको जाना है डेटा पर, ठीक है। डेटा पर जाओगे एंड डेटा पर जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा पर दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। एंड गाइस आपको इस पैकेज ढूंढना है, com.jayant.workmanager नाम का पैकेज, ठीक है। तो गाइस थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर, स्क्रॉल जब करेंगे तो गाइस ये हमारा पैकेज, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना गाइस, तो और क्लिक करने के बाद करूँगा ऐप इमेज नाम को, जहाँ फोल्डर है वहाँ जाकर सेव किया मैंने फाइल, ठीक है। इस पर जब क्लिक करूँगा गाइस, तो देखो हमारी ये रही इमेज, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, देखो गाइस हमारी इमेज जो है ना ब्लर हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सिंपल एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये जितना भी काम है ना, सारा बैकग्राउंड के अंदर होगा, ठीक है ना। तो ये बैकग्राउंड के अंदर करना जरूरी होता है काम, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस ले सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो से ये करेंगे, अपने एप्लीकेशन के लिए कोड लिखना शुरू करेंगे, ठीक है।